और हीर ने कहा था रांझे के कान में, कुलचे खाने हो तो दीप कुटी की दुकान में। आए आए। तो वैस आप लोगों ने कमेंट कर करके तक पाती है कि नवे वाली एड्रेस दस सानू छोले कुलचे शॉप का। आपने जब से पिछली वीडियो हमारी देखी है कमेंट्स कर रहे हैं कि शॉप बंद हो गई है, शॉप कहाँ है, एड्रेस बताओ, हम जाते हैं, शॉप बंद रहती है। तो हम आपको आज नया एड्रेस दिखाते हैं छोले कुलचे वाली शॉप का। वही शॉप है, वही टेस्ट है, नया एड्रेस आपको बताते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए, इस साइड से आप इधर आएंगे, ये पुष्पक नगर स्मृति नगर वाली रोड है, जुनवानी वाली, ये रोड में इधर आता है द्वारका रेस्टोरेंट। यहाँ से आप सीधा जाएंगे, इधर मॉल वाला चौक आता है, आगे जाके सामने गुप्ता पटाखे हैं, उसके जस्ट सामने यहाँ पे देखिए ये वीरजी समरी छरी कुलचे हैं। यही लाइन में बस थोड़ा सा आगे है द्वारका रेस्टोरेंट, उससे थोड़ा सा आप आगे आएंगे ना तो यहाँ पे वीरजीज अमृतसरी कुलचे। तो कराते हैं टेस्ट। आज हम दो बड़े बड़े यूट्यूबर के साथ कोलैब करेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले आते हैं हमारे फूडी पाजी, आओ पाजी। तो व्यूअर्स को पहले ये बताओ कि ये शिफ्टिंग का कैसे, मतलब सिलसिला क्या है? कोविड के सिचुएशन में अगरसिंह चौक में हमारी दुकान थी जो वो बंद हो गई, तो फिर हमने स्मृति नगर में शिफ्ट कर ली अपनी शॉप। एग्जैक्ट एड्रेस आपको भाई ने बता दिया है। तो जितने भी हमारे कस्टमर है जो अग्रसेन चौक दुर्ग वाली शॉप में आते थे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार यहाँ पर विजिट कीजिए स्मृति नगर वाली शॉप में। यही शॉप नहीं आते थे वो भी आओ, यहाँ के बंदे भी आओ। हाँ, ये भी बात है, सारे आओ, बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट आपको मिलेगा यहाँ पर कुलचे का। और बस थैंक यू सो मच ये भाई का, सिंथिंग वाले का, जिन्होंने ये वीडियो बना के हमें सपोर्ट किया, पहले भी किया था और अब दोबारा भी कर रहे हैं। इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करो और शेयर करो ये सारी वीडियो। ये इनकी पनीर की फीलिंग है, ये इनकी पोटैटो फिलिंग है, आलू की, और नीचे गोभी की फिलिंग। गोभी? गोभी भी बनाए हुए मिक्स वाले कुलचे में डालते हैं ना। ऐसा है, दिखा यार दर्शकों को, दिखाओ यार गोभी फिलिंग। ये देखिए, ये गोभी की फिलिंग है, ये आपको स्पेशल मिक्स कुलचे में मिलेगी ओनली। जब बंदे नु गोभी वाले खाने हुए फिर गोभी वाले खवा देंगे तुहानू। बस सिंह थिंग के व्यूअर्स को गोभी वाला मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है? तो सब्सक्राइब कर दो इसी बात में आप। पाजी ये देखो आलू कुलचा जा रहा है, ये मिक्स कुलचा जा रहा है, आए जा रहा है पनीर कुलचा। पनीर मिक्स है ना ये? तो नहीं, ये भाजी पनीर को स्टफिंग करानी पड़ती थोड़ी सी आलू के साथ। अच्छा, ताकि पनीर बिखर ना जाए। क्या बात है यार, ये आपको ज्ञान बहुत कम लोग देंगे। अरे तुम तो बड़े हैवी शेफ निकले। मजा आ गया यार देख के। अरे यार, यार। इसी बात में लाइक कर दो आप लोग। ये देखिए, आए हाय हाय, ये अब जाएगा फ्लेम में। ये देखिए, एक बात और, आपको छोले कुलचे बहुत जगह मिल जाएंगे, बट उन लोग क्या करते हैं कि जैसे बेकरी के कुलचे उन लोग सेक के आपको देते हैं, बट ये जो है ऑथेंटिक अमृतसरी स्टाइल, जो पंजाबी स्टाइल पंजाब में जो मिलते हैं, ऑथेंटिक आपको पंजाब स्टाइल में आपको मिलेंगे, जिसमें तंदूर में कुलचे बनाए जाते हैं, है ना? तो गाइस आपको दिखाते हैं आगे छोले। आ देखो जी, है पंजाबी छोले। ये जो छोले हैं जी, ये बगैर मीठे सोडे वाले हैं, कोई कलर नहीं है, घर के मसालों से बना हुआ है ये छोले, और बिल्कुल हेल्दी छोले हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी खाने से। और उसके बाद ये हमारी स्पेशल चटनी है जी, ये देखो, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। ये जो चटनी है ना, ये हम इमली, गुड़, शक्कर और इसमें पुदीना, हरी मिर्ची वगैरह पीस के डालते हैं, और उसके साथ ये सैलड आता है भाई सलाद के साथ, और ये हमारे मक्खन है जी, इसके कॉम्बिनेशन में आपको कुलचा मिलेगा यहाँ पर।
जो हमारे छोले हैं वो ऑथेंटिक पंजाबी छोले हैं। और अच्छी चीज़ हमने ये ऐड कर दी इसमें कि हम इसे बगैर लहसुन और प्याज से बनाते हैं, तो जो लोग लहसुन और प्याज अवॉइड करते हैं वो भी हमारे पास आके खा सकते हैं। ये देखिए ये रोस्ट हो रहे हैं। तो भाई ये कुलचा निकल चुका है, और हीर ने कहा था रांझे के कान में कुलचे खाने हो तो दीप हुडी की दुकान में। लूट लिया जा भाई आपने, लूट लिया। क्या लूट लिया भाई? लूट लिया यार, लूट लिया, दिल लूट लिया, दिल लूट लिया। कौन सा कुलचा खाओगे भाटिया जी? मिक्स मिक्स। कोई बटर लग रहा है। ओए होए होए। They say hurry up. साइन देख रहे हैं अंदर की फीलिंग देखिए आप। आए हाय, देख रहे हो मिक्स पनीर आलू गोभी सारा कुछ बिखर रहा था। छोले कुलचे कैसे लगाने? पहले देखो लगाना रहता है मक्खन, दिल खोल के लगाना रहता है। एक टिक्की और ले लेंगे मक्खन ख़त्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। उस समय ऐसे लगाते हैं ऐसे छोले। हाँ देखो चटनी पा रही थी फिर वजह बाद टेस्ट की। भाई टेस्ट वैसे आपको बताएं मिड स्पाइसी है, यानी कि सटल टेस्ट है इसका कुलचे का। ओवरऑल टेस्ट आपको मैं बता रहा हूँ छोले कुलचे का, ना ज़्यादा स्पाइसी है ना बिल्कुल कम स्पाइसी। तो जो स्पाइसी प्रीफर करता है वो भी खा सकता है, जिसको बिल्कुल स्पाइसी पसंद नहीं वो भी खा सकता है। तो बहुत ही बैलेंस्ड टेस्ट है इसका, साथ में चटनी तो लाजवाब है। ठीक है तो यहाँ तक अब हम एंजॉय करते हैं कुलचे, फेमस कुलचे, तो वीडियो कंटिन्यू कराते। तो गाइस कुलचे ओवरऑल बहुत ही अच्छे हैं, एंड आपको एक चीज़ बताऊँ कि कुलचे यहाँ पे बहुत हैवी हैं। लाइक अगर आप एक कुलचा खा लेते हैं उसमें आप पैक हो जाएंगे। एक कुलचा आपके लिए बहुत इनफ है, मोर देन इनफ है आपका एपेटाइट फुल करने के लिए। तो अगर आप हंग्री हैं तो दो ज़्यादा से ज़्यादा खा पाएंगे, डेढ़ दो कुलचे। गाइस टाइमिंग हमारी शॉप की है सुबेरे 7 बजे से लेके हम दोपहर 2 बजे तक ही रहते हैं, इस बात का आप ख्याल रखें, शाम को नहीं रहते हैं। अगर रिस्पॉन्स आएगा इन फ्यूचर शाम को भी चालू करेंगे, बट फिलहाल 7 AM to 2 PM हम देते हैं। थैंक यू गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, पसंद आई तो लाइक कर देना। और हाँ दुर्ग भिलाई के हमारे एपिसोड आते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। और आपका कोई फेमस फूड आपको पता है या आप किसी लोकेशन को जानते हैं जहाँ का फूड आप सोचते हैं कि हमको ट्राई करना चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपका कोई फूड स्टॉल है या फूड की शॉप है और आप चाहते हैं हम आपके यहाँ वीडियो बनाने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको मिलेगा, मेरे को आप टेक्स्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hey, say, hurry up.